सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है और योर क्वेश्चन माय आंसर एपिसोड 13 में भी आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज के कुछ सवाल जो हमारे पास में आए काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी टाइम बाद मैं इस वीडियो में आ रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र गया था किसी की शादी में और उसके वजह से मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन लग चुके हैं और उसके वजह से मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दे पाया, ना ही कोई वीडियो आपको दे पाया हूँ। तो इसके लिए सभी दोस्तों से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ और चलिए हम देखते हैं कि आज के दोस्तों के क्या क्या सवाल है जिन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे सवाल पूछे हैं और उनका मैं आज इस वीडियो में जवाब देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में सभी को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि एक नहीं होते सवाल, एक जैसे सवाल कईयों के मन में होते हैं और ये एपिसोड बनाने का हमारा यही मकसद है कि उनके सवालों के जवाब वीडियो के द्वारा सभी को मिल जाए क्योंकि जो हमसे पहले पूछना चाहते हैं या हमसे पूछ चुके हैं उनको भी जवाब मिल जाए और जो हमसे पूछना चाह रहे हैं उनको भी उनके सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है सुशील कुमार जी का और ये पूछ रहे हैं कि सर जी, मैग्नेट्रॉन जहाँ से गर्म होता है वहाँ से स्पार्क निकल रही है और जब मैंने नया मैग्नेट्रॉन लगाया है और वहाँ पे जो चीनी मिट्टी जैसा लगा हुआ है वो वहाँ पे भी दोबारा से उसमें भी स्पार्क निकल रही है, इसका मतलब ये है क्या ये जो हमने दूसरा लगाया है ये भी ख़राब है क्या? तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि जो हम पहले लगा हुआ था उसमें भी स्पार्क हो रही थी और जब नया लगाया है इसमें भी स्पार्क हो रही है। तो फ्रेंड, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप पहले चेक करें कि मैग्नेट्रॉन के साथ में कहीं डायोड और कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है क्योंकि कई बार डायोड और कैपेसिटर लगे हुए होते हैं वो भी इस कंडीशन में मैग्नेट्रॉन के पास में स्पार्क पैदा करते हैं। तो आपको डायोड और कैपेसिटर भी साथ में चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि मैग्नेट्रॉन और कैपेसिटर और डायोड इन तीनों की कॉस्ट वही बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ मैग्नेट्रॉन की कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन डायोड और कैपेसिटर अगर आप साथ में लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप मैग्नेट्रॉन के साथ में डायोड और कैपेसिटर जरूर लगाएं और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व हो जाएगी जिसमें 1% चांस होता है कि आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। पंकज शुक्ला जी पूछते हैं कि सर इंडोर यूनिट में आइस आ जाती है, इसका क्या उपाय है? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इंडोर यूनिट में आइस आ रही है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि उसकी एसी की आपकी सर्विसिंग प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है। अगर उसमें डस्ट जमा होगी, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया डस्ट और कूलिंग कॉइल के अंदर अगर जम जाएगी तो आपके उस जगह पे वो ठंडा नहीं करेगा, जो एयर उसको खींचनी चाहिए पंखे को वो नहीं खींचेगा और वो उस जगह पे आइस जमा देगा, इसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको इंडोर यूनिट पूरी तरह से क्लीन रखना होगा ताकि इंडोर यूनिट से जो एयर जो पास होती है कूलिंग कॉइल के थ्रू वो एयर पास हो जाए और वो आइस जमने नहीं देगा। तो वहाँ पे यही होता है, अगर आपका फ़ैन बंद हो जाए और एसी आप चालू रखेंगे तो आपके इंडोर यूनिट में आइस जम जाएगी। तो जो फ़ैन होता है वो आइस नहीं जमने देता है, वो एयर खींचता रहता है, एयर खींचने की वजह से उस कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमती नहीं है और ठंडी हवा हमें मिलती रहती है। तो वो अगर ब्लॉक हो जाता है तब ये आइस जमने की प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो आप एक बार उसे चेक कीजिए कि वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आई होप पंकज जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पंकज जी ने दूसरा सवाल भी एक पूछा है कि आपके वीडियो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं और आगे ये कह रहे हैं कि सक्शन लाइन पे आइस क्यों आ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सक्शन लाइन में आइस तब आती है जब आपके एसी के अंदर अगर गैस कम हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि एसी के अंदर कहीं गैस कम तो नहीं है, अगर उसमें गैस कम होगी तो वो आइस आपको सक्शन लाइन पे दिखाई दे। तो गैस कम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और दूसरी प्रॉब्लम अगर आपकी एसी की पंपिंग अगर डाउन हो गई होगी तो भी आपको सक्शन लाइन पे आइस जमती हुई दिखेगी क्योंकि पंपिंग जो होती है वो गैस की जो रनिंग स्पीड होती है वो कम कर देती है और रनिंग स्पीड अगर कम हो जाएगी तो आपको पाइपलाइन के ऊपर सक्शन पाइपलाइन के ऊपर आपको आइस जमती हुई दिखेगी और इंडोर में भी आइस जमती हुई दिखेगी। तो एक बार आप ये दोनों चीज़ें एक बार चेक करवा लीजिए कि आपके कहीं गैस तो कम नहीं हो,
जो अगर आपने आपके एसी में R22 गैस है तो वो 60 से 70 के बीच में है या नहीं है, उसका प्रेशर, बैक प्रेशर जो होना चाहिए, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर अगर आपके उसमें गैस कम है तो आप रिफ़िल करा लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। तो आई होप आपके इस सवाल का भी आपको जवाब मिल गया होगा। चौथा सवाल हमसे पूछ रहे हैं वसीम सिद्दीकी, और वो हमसे कह रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें एक बात बता दीजिए कि सेमी वॉशिंग मशीन में ड्रायर तो ओके है, वो सही काम करता है, लेकिन कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आता है, तो इसका क्या कारण है? तो उसमें कारण ये होता है कि अगर आप कभी कभी उसमें जो कपड़े हैं वो अगर आप एकदम एक साइड में लगा देते हैं, पूरी तरह से बिखेर के नहीं लगाते हैं, चारों तरफ से प्रॉपर कपड़े होने चाहिए। कई बार होता है कि हमारे जो ड्रायर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक साइड में कपड़े ज़्यादा होते हैं, एक साइड में कम होते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग बनती नहीं है। तो वो बैलेंसिंग नहीं बनने की वजह से वो जब ड्रायर चलता है तो बहुत ज़्यादा साउंड करने लग जाता है और वो अंदर बॉडी के ऊपर टकराने लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो कपड़े आपने डाले हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बीच में सेंटर में हो और चारों तरफ से बिल्कुल उतने ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ना हो कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो तो उसकी बैलेंस जो है आउट होगा और वो बॉडी से टकराएगा और साउंड करने लग जाएगा। और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर उसका जो साउंड है वो नीचे से आ रहा है मशीन के पास से, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि नीचे जो मशीन लगी हुई है उसके बेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वजह से भी साउंड आता है। अगर आप कपड़े सही डाल रहे हो तब भी साउंड आ रहा है तो उसका कारण है बेयरिंग ख़राब होने की वजह से भी ये साउंड आता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपका मशीन का बेयरिंग तो ख़राब नहीं है। तो आई होप आपके ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए पाँचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल हमसे पूछ रहे हैं इमामुद्दीन शेख, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हेलो सर, फ्रिज की पीसीबी किस तरह से रिपेयर होती है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। तो फ्रेंड, इसके बारे में जब मेरे पास में अगर कोई ऐसा पीसीबी वाला फ्रिज मेरे पास में रिपेयरिंग के लिए आएगा तो मैं ज़रूर उसके लिए एक पर्सनली अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एक पूरी जानकारी मिल सके कि पीसीबी किस तरह से ख़राब होती है, क्या क्या उसमें फॉल्ट आते हैं और उसे हम किस तरह से रिपेयर कर सके। अगर उसे रिपेयर ना भी करें तो हम उसे किस तरह से एक टाइमर के साथ में उसे सेट कर सकते हैं। अगर पीसीबी हमारी रिपेयर नहीं हो रही है उसके साथ की, अगर पीसीबी हमें मार्केट में नहीं मिलती है तो हम उसे टाइमर के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। जो हमारे डबल डोर फ्रिज वाले जो पहले के मॉडल जो होते थे BPL वगैरह के टाइमर के ऊपर, तो उस तरह से भी हम PCB वाले फ्रिज को टाइमर पे सेट कर सकते हैं। तो उसे किस तरह से करेंगे, इसके लिए मुझे एक फ्रिज चाहिए होगा। वो अगर फ्रिज इन गर्मियों में अगर मेरे पास में रिपेयरिंग के लिए आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और इसकी पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ऐसे बताने में आपको समझ में भी नहीं आएगा और मुझे भी प्रॉपर तरीके से आपको समझाने नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो आई होप आप थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करेंगे और आपके सवाल का भी शायद आपको जवाब मिल चुका होगा। तो चलिए आज का छठा सवाल देखते हैं। तो आज का छठा सवाल हमसे पूछा है जितेंद्र प्रजापति जी, सर जी कंप्रेसर में ऑयल ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, इसका कैसे पता चलेगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उसमें ऑयल कम हो गया है तो आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाएगा और ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंप्रेसर डिफेक्ट है तब भी ये प्रॉब्लम आती है, अगर कंप्रेसर में ऑयल नहीं होगा तब भी ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको चेक करना होगा। और दूसरी बात, अगर कंप्रेसर जो है वो 5 साल से ऊपर का जो मॉडल लगा हुआ होगा तो उसमें डेफिनेटली ऑयल कम होगा ही होगा, तो आपको ये चेक करना होगा कि वो गर्म तो नहीं हो रहा। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, चल रहा है ठीक तरीके से चल रहा है और अच्छे से कूलिंग भी कर रहा है, लेकिन वो गर्म हो रहा है, गर्म होने का कारण यही है कि उसमें ऑयल कम हो गया है, तो आपको उसमें ऑयल डालना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। और 5 साल से ऊपर जो भी कंप्रेसर होते हैं उनमें ऑयल जो है कम हो ही जाता है, तो आपको उस समय उसमें ऑयल रिफ़िल करना पड़ेगा। अगर आप फ्रिज का कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ्रिज के कंप्रेसर को आप उल्टा कर लीजिए, उसमें सारा ऑयल बाहर निकल आएगा, उसमें आप दूसरा रिप्लेस नया ऑयल उसमें डाल दीजिए। पूरी एक बोतल आती है 200 ml की, वो डालने से आपका काम हो जाएगा। तो हीटिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तभी आती है जब उसमें ऑयल कम हो जाता है। तो आई होप आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो साहिल सिंघानिया जी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर के एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को वैक्यूम पंप इस्तेमाल करने के बारे में ही बताएं। जो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, ये मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आप आपके पास में अगर वैक्यूम पंप ना हो तो आप इसे किस तरह से वैक्यूम कर सकते हैं स्प्लिट एसी को बिना वैक्यूम पंप के चालू करके। तो हाँ, मैं एक वीडियो में बताया था, उसी के ऊपर इन्होंने ये सवाल पूछा है।
तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आपके पास में अगर वैक्यूम पंप है तो आप वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करें, और मैं सभी से ये कहूँगा कि वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करें। मैंने जो बताया था वो एक ऐसे कंडीशन में बताया था जिसमें कि मेरे पास में वैक्यूम पंप नहीं था, और मैं अगर वैक्यूम पंप लेने जाता तो मुझे दो दिन तक और इंतज़ार करना पड़ता उस कस्टमर को, और वापस फिर मैं उसे 2 दिन बाद उसमें गैस रिफ़िल करता, क्योंकि उसमें गैस ख़त्म हो चुकी थी। और उसमें जो गैस डालनी थी वो R22 गैस थी, और R22 गैस का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। उस कंडीशन में उसमें मैंने सेल्फ वैक्यूम किया था और उसी के ऊपर वीडियो बनाया था। तो मैं यही कहूँगा कि आपको लगता है कि AC ज़्यादा पुराना नहीं है, इसमें R22 गैस है और इसे हम सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं, तो उस दौरान आप उसमें सेल्फ वैक्यूम कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करें, ना कि जो मैंने किया है सेल्फ वैक्यूम उस तरह से, क्योंकि सेल्फ वैक्यूम आपको तभी करना चाहिए जब वो AC नया हो और उसमें R22 गैस हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास में अगर वैक्यूम पंप है तो आप R22 वाले स्प्लिट AC को ही सेल्फ वैक्यूम करें, बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर तरीका वैक्यूम पंप ही है। थैंक यू सो मच साहिल सिंघाना जी, आपने ये काफ़ी अच्छी रिक्वेस्ट की। इसके बारे में मैं काफ़ी दिन से बताना चाह रहा था, क्योंकि मेरे भी दिमाग से कई बार निकल जाती है कई बातें, तो आपने मुझे ये रिक्वेस्ट करके मुझे याद भी दिलाया, और काफ़ी अच्छी आपने जो रिक्वेस्ट की है ये काफ़ी बेहतर है और सभी के लिए, क्योंकि आजकल AC के जो एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं, कई बार AC फट जाता है, ये हो जाता है, तो ये कुछ हमारी ही गलतियाँ होती हैं जिसके वजह से AC ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या गलती होती है टेक्नीशियन की कि AC ब्लास्ट होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, शायद हो सकता है आपको अगले हफ्ते तक वो वीडियो आपको मैं दे दूं, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं कि AC ब्लास्ट क्यों होता है और क्या कारण होता है AC ब्लास्ट होने का। तो फ्रेंड, आज के इतने ही सवाल थे, और सवालों का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के मन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के कोई ना कोई सवाल रहता ही है, क्योंकि मेरे भी मन में कई सवाल होते हैं और उन्हें भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी सर्च करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, और कई लोगों से मुझे जवाब मिल भी जाते हैं, इंटरनेट पे भी कई बार जवाब मिल जाते हैं। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम हमेशा ढूंढते हैं, और कई बार हमें उनके जवाब मिल भी जाते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे भी कई बार सवालों के जवाब मुझे मिल जाते हैं और कई बार नहीं भी मिलते हैं, या कई बार इंतज़ार करना पड़ता है, शायद वो सवाल दोबारा लौट के आए और उसका जवाब मुझे मिल जाए। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करते ही बेल का आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के द्वारा मिले, जिस तरह से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है उसी तरह से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।